अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आइए इस वक्त ऊपर चेक कर लीजिए। आइए। वो एक्चुअली मिस्टर लूथरा इस मैटर में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो पुलिस अच्छे से छानबीन कर रही है और इस घर की भी। लेकिन मुझे पता है कि मेरी मासी यहाँ पर नहीं है, पुलिस कहाँ कोई कसर छोड़ती है। राजवीर ने मासी क्यों कहा, या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया? तुम क्या? मेरे बेटे पर किसी ने भी हाथ उठाना, उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। शायद मैंने ही कुछ गलत सुना होगा। वो पता नहीं मिस्टर लूथरा को कैसे पता चल गया ये। पुत्र, तू तो ठीक है ना? दरअसल बात ये है कि काव्या तुझे फोन कर रही थी, शायद तेरा फोन तेरे पास था नहीं, गलती से किसी और ने रिसीव कर लिया, और आगे से जो आवाजें आ रही थी वो हमने स्पीकर पे सुनी, और साफ पता चल रहा था कि तू पुलिस स्टेशन में है और वहाँ पे काफी कहासुनी हो रही है। इसलिए करण हमारे साथ ही था, और मैंने करण को बोला कि तू पुलिस स्टेशन जा, राजवीर को देख क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी मदद कर। तू ठीक है ना? ठीक हूँ। मन तो करता है इस रॉकी को रॉक करके शॉक दो। मैं फोन नहीं उठा रही, तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि आसपास लोग होंगे, बैक टू बैक कॉल किए जा रहे हैं, लगता है कॉल उठाना ही पड़ेगा। हाँ बोलो मैडम। अब आप बोलो, उस लड़की का करना क्या है? क्योंकि अभी तक आपने मुझे पैसे नहीं दिए, और मुझे पैसे तभी मिलेंगे जब मैं उस लड़की को मार दूंगा। लेकिन मारना कब है, ये तो कम से कम आप मुझे बताओ। देखो अभी कुछ नहीं करना है, मारेंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन करो। तो मैडम कभी करना है फिर मर्डर, हम तो तैयार हैं। अभी कुछ नहीं करना है, कल बहुत स्पेशल दिन है, उसे कल उठा देंगे, उसका बर्थडे, उसके बर्थडे को ही ना उसका डेथ डे बना देंगे। समझे? और सुनो, मेरा एक काम करो, एक ना आई विटनेस तैयार करो जो मेरे फेवर में गवाही दे, समझे, ताकि जब मैं पिता को मारूं और इस दुनिया से हमेशा के लिए भेज दूं, तब वो आई विटनेस मेरे फेवर में गवाही दे। वैसे भी आजकल आई विटनेस तो खरीदे जा सकते हैं ना, समझे? आइए। वो यहाँ नहीं है, चलिए बाकी जगह देखते हैं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आइए राजवीर, आओ। थैंक गॉड पुलिस चली गई, मैं बच गई। इंस्पेक्टर अब बताइए ना, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ ढूंढना चाहिए, क्या लगता है आपको कहाँ लेकर गए होंगे? राजवीर तुम कह रहे थे तुम्हारे दोस्त मोहित ने उन्हें किडनैप होते हुए देखा था, और वो लेडी जो तुम्हारे साथ थी उन्होंने भी देखा था ना, क्या नाम था उनका? मेरी बहन है, वो किडनैप हो गई है मेरी आंखों के सामने, कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। हाँ उन्होंने देखा था, ऐसा ही उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने किडनैप होते हुए देखा था, वो वहीं पर थी। अरे कौन थी? लेकिन अब वो कोई थी आप नहीं जानते उन्हें। राजवीर एक काम करो, अपने दोस्त मोहित को कॉल करो और उसको बोलो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे, बाकी की हम CCTV फुटेज से देख लेंगे, और हाँ जितना हमसे हो पाएगा हम वो सब करेंगे। ओके मैं मोहित को कॉल करता हूँ। ओके निधि मैडम, इस पार्सल का क्या करना है, बहुत परेशान कर रही है। परेशान कर रही है? मेरा फोन दो। मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्यों लिया मेरा फोन, तुम्हारे हाथ में मेरा फोन कैसे? मेरा और निधि लूथरा का फोन एक्सचेंज हुआ था, फिर निधि लूथरा को किसी आदमी का फोन आया, वो पूछ रहा था पार्सल का क्या करना है, उतने में निधि लूथरा ने आके फोन छीन लिया, इतनी हाइपर हो गई, इतना गुस्सा आ गया। क्यों? ऐसा भी क्या था वो पार्सल, ऐसा भी किसका फोन था, और वो आदमी किस पार्सल की बात कर रहा था? ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है, कोई तो राज है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब अभी आया। ओके लेकिन हुआ क्या राजवीर? आया। अरे राजवीर जा कहाँ रहे हो, बता के तो जाओ। कमाल, इंस्पेक्टर आप बताइए ना अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, एक बार मोहित बता दे, फिर हम CCTV में देखकर जो भी हो पाएगा वो कर लेंगे। कहाँ है वो, कहाँ है? कौन कहाँ है, किसकी बात कर रहे हो? आपको पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
किडनैपिंग 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 हुई है यहाँ पर और मुझे पता है कि इस किडनैपिंग में आपका हाथ है। कोई तो कनेक्शन है आपका इस किडनैपिंग से। How dare you? You called me a kidnapper? मैं किडनैपर दिख गया तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैपर बुलाने की? हिम्मत किस्मत से आ जाती है। और रही बात आपके राज की, वो फोन कॉल की, वो फोन कॉल मैंने उठा लिया था। सामने वाला आपसे ऐसे बात कर रहा था जैसे आप उसकी बॉस हो, पूछ रहा था कि वो पार्सल का क्या करना है। अरे राजवीर, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी फ्रेंड है, उसकी नीज का बर्थडे है, मुझे वहाँ इनवाइट किया है, तो मैंने अपने लिए ड्रेस ऑर्डर किया था। वो पार्सल गलत एड्रेस पे चला गया, तो वो मुझे कॉल करके यही पूछ रहा था कि पार्सल का क्या करना है, कहाँ डिलीवर करना है, दैट्स इट। बहाने, सिर्फ और सिर्फ बहाने। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जितने बहाने देने आप दे दो, मेरी नजरें भी तीर है तीर, आपके इन बहानों में, ये झूठी बातों में नहीं आने वाला हूँ मैं। मेरी नजर हर वक्त आप पर रहेगी। और एक सबूत, सिर्फ एक सबूत मुझे मिल गया ना, तो आप सलाखों के पीछे होंगी। और ये सारी बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है और मैं अपना कीमती वक्त आप जैसे लोगों को नहीं देता। और हाँ, याद रख, मेरी नजर आप पर हर वक्त रहेगी। ए यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कब तक नहीं उठाएगी, फिर लगाता हूँ। रोकी भी ना, कितनी बार समझाया, बार बार कॉल करता रहता है, सुनता ही नहीं। हाँ बोलो। बहुत मेहरबानी मैडम जो आपने मेरा फोन उठा लिया। आपको पता है इस लड़की के पीछे मुझे 24 घंटे चार गुंडे रखने पड़ते हैं, वो काम अलग से बढ़ गया मेरा। और वैसे भी इस पार्सल को उठाने की और मारने की बात हुई थी, तो मैडम बस बहुत हुआ, मुझे मेरे पैसे चाहिए अब। और एक बात और, इस बार पैसे ज्यादा लगेंगे। हो गया, क्यों ज्यादा पैसे लगेंगे? लालच बढ़ गया तुम्हारा अब? आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो आपका काम यहीं पर खत्म। ओके, 1 लाख और एक्स्ट्रा दूंगी। ओके मैडम, चिंदी चोरी चल रही है, 3 लाख बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, 2 लाख एक्स्ट्रा, दैट्स इट। ठीक है, डन। मेरी नजर हर वक्त आप पर रहेगी, सिर्फ एक सबूत मुझे मिल गया ना, तो आप सलाखों के पीछे होंगी। राजवीर बेटा, तुझे तो लाइफ का ऐसा झटका दूंगी ना कि तू फुल स्विंग में जाएगा। कल प्रीता का बर्थडे है ना, उसको बर्थडे नहीं, मैं डेथ डे बनाऊंगी, और ऐसा आई विटनेस खड़ा करूंगी कि शक तो क्या, किसी की एक उंगली भी नहीं उठेगी मुझ पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या क्या। चला ले बेटा, चला ले, जितने तीर चलाने हैं चला ले, फाइनल निशाना तुम मेरा होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।